On behalf of SME Chamber of India, SME Export Promotion Council, on behalf of all the SME sector, आज हम बहुत खुश है कि आपके जबान से हमें बहुत कुछ अच्छी बातें सुनाई देंगी और आपका जो विजन है, आपका मिशन है, आपका जो प्लानिंग है और आपका जो विचार है, क्योंकि आज की डेट में देखिए मॉरल सपोर्ट और प्रैक्टिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और जो आत्मनिर्भर भारत की जो पीएम साहब ने जो संज्ञा बनाई है, ये स्पेशली लागू होते हैं हमारे एसएमई सेक्टर के लिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, एम्पावर करना और उनको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल सपोर्ट देकर नॉट ओनली लोकल लेवल पर ग्लोबल लेवल के लिए जाने की बहुत कोशिश रहेगी। मनोज मित्तल जी डीएमडी सिडबी के है, प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं, प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, हमारे अच्छे मित्र है। और विनय कुमार जी नॉर्थन रीजन देखते हैं हमारे एसएमई सेक्टर के, इज फ्रॉम यूपी। रवि भारती जो गुजरात रीजन देखते हैं, रवि भारती जो ऑनलाइन इज फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री एजुकेशन एंड डिफरेंट सेक्टर। बाकी फिर हम आपके ऑफिस से, हमारे ऑफिस से बहुत सारे ऐसे अपने ऑफिस बेरर ज्वाइन किए। अजय मेहता जी वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम मुंबई। सर अभी ऐसा है कि दिस इज अ सिचुएशन इन फेब्रुआरी इवन मार्च फर्स्ट वीक वी हैव नॉट थॉट दैट दिस इम्पैक्ट और दिस सिचुएशन विल कम अप। बट एनी वे एसएमई सेक्टर अभी आज की डेट में हमें ये सब सिचुएशन को फेस करने की बहुत जरूरत है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, मिशन है और जो उनका जो प्रैक्टिकल सपोर्ट करने की जो स्टेप्स है, मैं कहता हूँ उसी को लेकर हम चलेंगे। दो तीन मेरे सुझाव थे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रेज इश्यूज टूडे, बट आई वॉन्ट टू गिव सम सजेशंस। इश्यूज तो मैं आपको बार बार लेकर आऊंगा। एक तो एक एग्जिट प्लान बहुत बढ़िया होना चाहिए जो आफ्टर दिस लॉकडाउन एंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में एग्जिट प्लान कुछ नहीं है। एसएमई सेक्टर, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, उनके लिए बहुत एक डाउटफुल ऐसा नजरिया तैयार हुआ है कि हम आगे क्या करेंगे। तो एग्जिट प्लान जरूरी है। दूसरा सर ऐसा है कि देखिए आज हमारी मिनिस्ट्री बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर काम कर रही है और डिफरेंट सेगमेंट है, डिफरेंट डिविजन है हमारे यहाँ पर। मेरी एक राय है कि चार पांच ई क्या कैपिटल ई पर अगर ध्यान देते हैं, जैसे कि आज हम एम्पावरमेंट एसएमई सेक्टर को अगर हर तरह से एम्पावर करें, जैसे कि नॉलेज है, एजुकेशन है, हैंड होल्डिंग है, इंसेंटिव्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज है, नॉट ओनली दिल्ली मुंबई और चेन्नई बैंगलोर और अहमदाबाद, बट रूरल लेवल ले जाने की बहुत जरूरत है। आज की डेट में मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे एसएमई रूरल एरिया में जो अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है और देख रहे हैं कि मेट्रो सिटी से आज जगह बहुत महंगी हो चुकी है, लैंड इज वेरी कॉस्टली नियर बाय, इंडस्ट्रियल लैंड कॉस्टली। तो हमें एक एम्पावरमेंट के हिसाब से रूरल, मेट्रो से रूरल तक जाने की बहुत जरूरत है, इसमें हर तरह का सहयोग देने की जरूरत। दूसरा ये है एंटरप्रेन्योरशिप। आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो रही है, स्टार्टअप में हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत कम आ रही है। इसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है, भले 1%, 2%, 4% ग्रुप में आकर इंडस्ट्री बैठाते हैं, जो भी कोई डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के एक्सपर्ट्स हो, तो एक सहयोग होना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से, जो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अगर हम एम्पावर कर रहे हैं लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, लोकल इंडस्ट्री को, तो हमें ज्यादा ध्यान देना है एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। और मैं वेलकम करूंगा डेवलपमेंट कमिश्नर जी नए जो डीके सिंह साहब आए हैं, उनको भी तजुर्बा अच्छा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। मेरी राय यह है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर बहुत बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे चाइना का सीसीपीआईटी, जेट्रो फ्रॉम जापान, कोत्रा फ्रॉम कोरिया और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे, यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन कमीशन है, कितने पैमाने पे अच्छी तरह से वो ध्यान देकर रीजन वाइज, सेक्टर वाइज, सेगमेंट वाइज, इंडस्ट्री वाइज बहुत अच्छा प्लान करके वो प्रमोशन के लिए जाते हैं। जैसे हमारे आइडेंटिफाई नए मार्केट को करना है, जैसे अपॉइंटमेंट्स ऑफ द एजेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स को अपॉइंट कीजिए, पार्टनर्स को अपॉइंट कीजिए, डेलीगेशंस रेगुलर, हर, मेरी तो राय है कि हर डेवलपमेंट इंडस्ट्री का अपना जो डिपार्टमेंट है डीआई का, जो डेवलपमेंट कमीशन के अंदर है, उनको एम्पावर करके हर रीजन में कौन सा प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल में जा सकता है उसकी एक जानकारी निकालनी चाहिए और उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको किस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, वो एक होना जरूरी है। मैंने एक एक जिक्र किया था पांडा साहब से और हमने कोशिश भी की थी, गोखले साहब जब फॉरेन सेक्रेटरी थे तभी, हर एम्बेसी में
एक डिवीजन एसएमई डिवीजन होना चाहिए, उस एसएमई डिवीजन के माध्यम से उस रीजन की पूरी जानकारी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एसएमई सेक्टर के लिए काम कर रही है, कौन से लोकल इन एक्टिविटीज हो रही है और वहां पर कौन से प्रकार का ट्रेड बैरियर्स है, इस तरह के अगर वन पेज हर एम्बेसी में बन जाएगा तो मुझे लगता है कोई भी एसएमई को हमें तो आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे कैन गो ऑनलाइन, वहां देख सकते कि इस सेक्टर में कौन, इस रीजन में कौन कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से दे कैन प्रिपेयर। और उसके बाद फिर उसमें जॉइंट वेंचर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, और आज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी अच्छी इंडस्ट्री है। आज हमें चाइना को कम्पीट करके इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाना जरूरी है, इस माध्यम से ये करने की जरूरत। और इसमें ज्यादा से ज्यादा बहुत जरूरत है हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, अगर इस माध्यम से होते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन के लिए, जैसे इम्पोर्ट फैसिलिटेशन, जो क्यों हम चाइना की तरफ जाए, और भी बहुत सारी कंट्री जैसे मलेशिया में, जैसे हमने ट्रीटी साइन किया साहब, बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, डीकी सिंह साहब इसमें ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, हमने जिस जिस कंट्री के साथ एक कोऑपरेशन साइन किया हुआ है, एक ट्रीटी साइन की है, क्यों ना हम उस पर जोर दें, क्यों ना उस माध्यम से फायदा हमारे एसएमई सेक्टर को दिया जाए कि कौन से प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट को हम प्रमोट भी कर सकते हैं। तो इस पर लगातार मैं आपसे बात करता रहूंगा, बस नॉट ओनली जस्ट प्लेटफॉर्म बट आई विल गिव यू लॉट ऑफ इनपुट। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक ई जो होता है, स्टैंड होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे एसएमई सेक्टर को, जैसे कि हर फॉरेन इंडस्ट्री को, जैसे आप मेक इन इंडिया के अंदर बहुत जिस तरह से रेड कार्पेट दिया जाता है, क्यों ना हमारे एसएमई को भी रेड कार्पेट दिया जाए, उनके जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो जो इश्यूज आते हैं, जो पॉलिसी हमारे सेंटर की, वो पॉलिसी स्टेट में भी लागू करनी चाहिए। जैसे अभी मैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, मैंने अशोक चव्हाण जी जब चीफ मिनिस्टर थे उनके पीछे लेकर एसएमई डिवीजन बनाने लगा है, ऐसे कुछ कुछ पैमाने पे डिवीजन हुआ है, हर जगह होना चाहिए। डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री हर स्टेट का इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, एक ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आज की डेट में बहुत सारे स्टेट्स के एसएमई सेक्टर के लिए या एसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारे एडवांटेज और स्कीम्स बनाते हैं, बट वो पहुंचती नहीं है, और जो सेंट्रल की भी आती है वो नीचे तक भी नहीं पहुंचती है, तो इसमें एक बड़ी दरार है। उस दरार को कम करने के लिए हमारे डीआई ऑफिसर्स को इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनको मशीनरी दी जाए, उनको फंडिंग दिया जाए, एक ये बात है। और सबसे महत्वपूर्ण है साहब एनर्जी, एनर्जी में अगर ई स्टैंड होता है एनर्जी, तो इसमें बहुत आता है फाइनेंशियल फ्यूल, जो बैंकों से, एनबीएफसी से जो भी मिल रहा है उसमें अच्छा है, कैपिटल मार्केट हो। दूसरा सर बहुत जरूरी है एनर्जी है हमारे एजुकेशन की, हमारे एसएमई बहुत सारे एसएमई ऐसे कि जिनको नॉलेज, एजुकेशन उनको होता है, बट जो नॉलेज होता है मार्केट का हो या लोकल मार्केट का हो, इंटरनेशनल मार्केट का, उसको हमारे चैम्बर, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन, भारत के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, लेकिन उसको एक अगर एक अच्छी तरह से हम एक पैनल बनाया जाए, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग है, एक्टिविटीज फॉर कनेक्टिविटी है। अच्छा, दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय, लास्ट टाइम मैं मंत्री जी से भी कहा था, साहब अभी आप आए हो तो मेरी एक राय है, डेवलपमेंट कमिश्नर इंडस्ट्री के माध्यम से एक पेज बनाया जाए उनके वेबसाइट पर, एक पेज पर सब सुविधा, सब सजेशंस, जो भी कोई एसएमई का, माइक्रो हो, टाइनी हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, उसका कुछ सुझाव हो या उसका कोई इश्यूज हो, उस वेबसाइट पर जाके वो ऐड कर सकता है, वो भी जाना चाहिए उद्योग आधार के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, उसका मोबाइल नंबर से, तो हमारे पास उसकी पूरी जानकारी, कोई भी झूठा जाके नहीं लिख सकता है। तो इससे क्या होगा कि आने वाले इश्यूज, सजेशंस आपको डाइवर्ट कर सकते हो, हर इंडस्ट्री, हर मिनिस्ट्री को या कौन से डिपार्टमेंट में है, ये सुझाव बहुत अच्छे आ सकते हैं, और इस सुझाव के माध्यम से सरूके भाई बाकी बातें मैं बाद में करूंगा, ठीक है, हाँ चलो। लेकिन आपका ये जो सुझाव है ना, सुझाव के बारे में वेबसाइट ये बने, तो हमने एक चैंपियंस करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, शायद आपके ध्यान में अभी नहीं आया, वो champions.gov.in आप देख लीजिए, हमने आपको मेल तो करवाया था, शायद आपके एसोसिएशन के मेल में पता नहीं गया है कि नहीं गया है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने कहा तो था अपने मित्रों से कि सबको बताया जाए, तो आप उसको देख लीजिए, एक हफ्ता हो गया उसको लॉन्च किए हुए, 9 तारीख को हम लोगों ने लॉन्च किया है। अच्छा, और उसमें पोर्टल है जिसमें आपकी सारी बातें उसमें आ गई है जो आप बता रहे हैं, और इतना ही नहीं, हमने फिजिकल कंट्रोल रूम भी शुरू किया है, यहाँ एक
एक कंट्रोल रूम हमारी ऑफिस में और 60-65 कंट्रोल रूम स्टेट्स में, सारे DII ऑफिस, सारा KVIC, NSIC के ऑफिसों में, ये 66 जगह पे, 66 जगह पे हमने हब और स्पोक के मॉडल में कंट्रोल रूम शुरू किए लोकल इंडस्ट्री को देखने को. तो मैं चाहूंगा कि हमारी वेबिनार के बाद आप हमारा चैंपियंस पोर्टल जरूर देखिए. ठीक है, ठीक. और मैं अपने ऑफिस के मित्रों से भी कहूंगा कि ये गैप में, पिछली बार भी मैंने जब वेबिनार किया बाकी एसोसिएशन से, तो उनको भी मालूम हो ऐसा लगा नहीं मुझे. और सलूके भाई को भी अभी 10 दिन हो गया फिर भी नहीं मालूम है, तो ये गैप हमें दूर करना पड़ेगा. तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद भी आपका कोई सुझाव होगा तो हम उसको पूरा करेंगे. ठीक है, चलिए अब आगे चलिए. हाँ, एक लास्ट सुझाव एक है. आप क्या कीजिए, जैसे अभी अपना बोर्ड काम करता है, MSME बोर्ड, उसमें सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन आते हैं. मेरी एक राय है, मैंने पांडा साहब से भी कहा था और अपने आर्य मिश्रा साहब से भी, आप एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन रीजन वाइज बनाइए. क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे अभी मुझे जानकारी कुछ नहीं है तो उनको भी जानकारी पहुंचने में दिक्कत आती है. तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, जैसे अभी पैकेजिंग सेक्टर का है, क्योंकि क्या आज की डेट में अगर हम सेक्टर वाइज नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम जनरल बात करते हैं. तो सेक्टर वाइज आप एसोसिएशन का ग्रुप बना दो और हर क्वार्टर, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में एक मीटिंग लगाइए. भले आप, जैसे अभी वेबिनार की सुविधा हो गई है, आपको फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन एड्रेस फ्रॉम वेबिनार ऑल्सो. तो ये बहुत अच्छा एक हमारा एक ब्रिज बन जाएगा, मुझे लगता है ये ब्रिज बहुत काम हो सकता है. दूसरी सबसे लास्ट सर, मेरी एक विनती ऐसी है कि हमारे वो ब्रिज बनाने का काम हो गया, लास्ट 10 डे में हमने कर दिया. ठीक है, वेरी गुड. आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्ट्री, जैसे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, पावर है, फार्मास्यूटिकल, इस मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो ऐसे MSME सेक्टर के लिए काम है. इसकी एक बुकलेट बना के एक हमारे वेबसाइट पर भी डाले और एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए. किसी को अगर फूड प्रोसेसिंग में कुछ काम होगा या कुछ हेल्प चाहिए तो दे कैन गो थ्रू दैट. और DII को भी ऑथर कीजिए. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड आई वेलकम यू टू शेयर योर थॉट्स. फिर आपके भाषण के बाद एक थोड़ा एक 2-3 सवाल ले लेंगे या सजेशन ले लेंगे. नहीं, इनफैक्ट थैंक यू वेरी मच सालुंगे भाई. हम लोग साथ मिलकर के काम करेंगे और आपके सभी सुझाव जो सारे ई आपने बताए हैं वो सारे जो है वो बड़े अच्छे हैं और सारे एक्शनेबल है, उसमें कहीं कोई शंका की बात ही नहीं है. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी अपना वेबिनार शुरू होने के 10 ही मिनट पहले हमारी एक सेक्रेटरी साहब का फोन था. उन्होंने कहा कि भाई आप, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ अब आप फिर कह रहा हूँ, हमने अपने चैंपियन पोर्टल पे आप लोगों को SMEs को अपील भी किया है, लेकिन ये बात मैं चूंकि आज मौका मिला है तो आपसे मैं फिर दोहराना चाहूंगा. वो ये है कि एक बात तो हुई कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट खोज करके एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी खोजें और एक्सपोर्ट लिंकेज यहाँ से लेकर के विदेश तक में बनाएं, वो तो अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म काम है, करना ही पड़ेगा और करना चाहिए. लेकिन आज की स्थिति में हमारे लिए एक रेडीमेड मार्केट खड़ा है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, वो है मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का और मेडिकल से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड जो सारे मेडिकल आइटम्स हैं, ऑक्सिलरी आइटम्स हैं, जैसे सैनिटाइजर है या PPE है, मास्क है और भी दुनिया भर के इस तरह के आइटम है. आपकी जानकारी में यह भी आया होगा, हम लोगों ने कल परसों सर्कुलेट कराया था कि अब सरकार ने मास्क वगैरह के एक्सपोर्ट पर से भी पाबंदी उठा लिया है. तो इस दृष्टि से हमें कहीं कुछ खोजने नहीं जाना है, एकदम से तैयार है आपके लिए प्लेटफॉर्म, खाली उसको बना करके उसको आगे भेज देना है. अभी हमारी जो बात हुई, एक सेक्रेटरी साहब का फोन था, उनसे जो बात हुई उन्होंने यही कहा कि शर्मा जी आप अपने कुछ MSME को लगा करके सैनिटाइजर की जो पाइप होती है वो बनाने का, क्योंकि देश में शायद सैनिटाइजर की पाइप की समस्या आ रही है और हमें चाइना से पूरी के पूरी इम्पोर्ट. तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, सजेशन भी दे रहा हूँ और जितना जल्दी से हो सके उतना अपने मेंबर्स में या आपकी मेंबरशिप के बाहर भी जा करके
जितने लोगों से हो सके उतने लोगों से बात करके, अगर कोई इस क्षेत्र में मेडिकल आइटम बनाने के क्षेत्र में आगे आता है तो उसे आप क्या मदद कर सकते हैं और हमें भी बताइए हम क्या मदद कर सकते हैं। हमारे लेवल पे कुछ मदद करने जैसा हो तो हम जरूर कहेंगे। ये बात मैं पिछले 10 दिन से कई एसोसिएशन के साथ, कई अपने अधिकारी मित्रों के साथ कई बार कह चुका हूँ। जब से मैंने ये चार्ज लिया है तब से मैं ये बात कम से कम 200 बार कह चुका हूँ। तो इसमें हमें आगे बढ़ना है और इसमें हमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं मार्केटिंग की समस्या नहीं है। इसको हमें तुरंत जो है एक्सपोर्ट के लिए एकदम तुरंत हमारा जो है काम आगे बढ़ जाएगा। बाकी जो बातें हैं एम्पावरमेंट की या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वो स्वाभाविक रूप से अच्छी बातें हैं, अच्छे सुझाव हैं, उनमें भी हम साथ में काम करेंगे और वही हमारा काम है, वही उसी दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। आपको मैं एश्योर करता हूँ कि हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट इन सारी दिशा में करेंगे। So can we take a 2-3 questions? Yes. Okay. Ravi ji, Ravi Bharti ji, please come in. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, Sharma sir. I think it's really privileged to have you here. Good afternoon, sir. Sir, I'll quickly just. I think you have. थोड़ा हेड पर आगे थोड़ा आगे रखिए हाँ. Sir, you have anyway laid down the vision well, and Chandrakant sir has spoken a lot about this. Quickly, sir, I have just tried to incorporate 3-4 things in the entire suggestion. We, sir, as SMEs, we were anyway going through a sluggish demand cycle, kami ka, COVID-19 ke pehle. Now, initially, sir, if we have to look at starting production, starting services base, which is again an ancillary service to the production unit. If we are looking at, sir, kicking off demand cycle, the demand cycle is a long-term process. अभी हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें supply side पे ज्यादा हैं। क्या ये हम देखा जा सकता है कि जो बड़े PSUs हैं या बड़े large corporates हैं, जैसे आपने एक चीज medical equipments की बात की, ये large PSUs के orders कम से कम 30-40% SMEs, micro SMEs और SMEs को दिए जाएं बनाने के लिए, at least for the first 12 months. At least kick off the demand cycle for most of the SMEs and MSMEs, sir. दूसरी जी सर, सर दूसरी एक और चीज होगी कि जो हम तीन चीजें बात कर रहे हैं as far as SMEs are concerned, उसमें एक बहुत बड़ा चीज अभी जो सामने आता है वो है manpower, which is the key resource. With most of the migrants and laborers going back home. गवर्नमेंट के एंड से सर कुछ एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिवाइजेशन चाहिए होगा इन लेबर्स को वापस एसएमईज तक लाना, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, चाहे हम हेल्थ का बात कर लें या हम कुछ पेंशन रिफॉर्म रिलेटेड बात कर लें, जो करेंटली सर नहीं है और मेरे ख्याल से इनसिक्योरिटी और बढ़ गई है लेबर्स में, एंड विच इज पुशिंग देम बैक होम. So we may not be an easy cycle even for SMEs at this point of time. Third, sir, जितने भी stimulus package announced हुए हैं, ये सारे कहीं ना कहीं सर mutually exclusive नहीं हैं और एक दूसरे के साथ related हैं. Power, health, mining, energy, etc. तो अब कहीं सर बहुत बार ये हो रहा है कि SMEs, जैसा सर ने भी बताया, SME के लेवल तक एक्चुअली उस लेवल की जानकारी ही नहीं है कि वो CGT SME में लोन ले सकते हैं या वो अपना, अगर वो NPA है तो वो किस माध्यम से बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं. मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस की कमी सर बैंकों को और NBFCs को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम सर उनका अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो चुका है, कम कॉस्ट पे बोरोइंग है, लिक्विडिटी प्रेशर नहीं है RBI के एंड से. तो ये एक ऐसा समय है जब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एज अ टीम इंटीग्रेट होके एक यूनिफाइड, या तो हम डैशबोर्ड सिस्टम बनाएं तो आपके SME मिनिस्ट्री के एंड पे मेंटेन हो, जहां पे क्रेडिट, मैनपावर, रिसोर्स कंजम्पशन, डिमांड, ये चारों चीजें मॉनिटर हो, जहां हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन SME, चेंबर ऑफ इंडिया वगैरह, जो आपको इस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग में भी मदद करे. क्योंकि अगला सवाल ये है कि अगर कैपिटल आएगा और गवर्नमेंट के इनसे इनिशिएटिव है तो फिर आगे SME काम करेंगे कैसे, प्रोडक्टिविटीज मैनेज कैसे होंगी. जी सर, ये चार चीजें थी जो
No, certainly we have to work in that direction, and particularly as you said, how to proceed on the packages which have been announced. That is, of course, a very prime matter. I had a talk with my friends in the banking department, BFS, and they said they will take 1 or 2 days to frame the guidelines about that 3 lakh crore package. बाकी जो CGTMS ई है और फंड ऑफ फंड है उसकी गाइडलाइंस हमें भी बनानी है. तो आई वी हैव सेंट इट फॉर आई मीन फंड ऑफ फंड और डिस्ट्रेस फंड का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसकी गाइडलाइंस हमें बनानी है. वो हमने कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेज दिया है और 1-2 दिन में कैबिनेट की अप्रूवल जैसे ही आ जाएगी उसकी हम गाइडलाइंस फ्रेम करके आपको बता देंगे. सर दूसरा ये था कि बहुत सारे एसएमईज के तरफ से हमें मेल आया हुआ है कि जो पैकेज पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैडम ने अनाउंस किया था अब 31 मई तक मोरेटोरियम दिया गया है और इंटरेस्ट वगैरह का जो भरने के लिए. अब लोग कह रहे हैं कि अगर 31 मई तक एक्सटेंड हुआ है तो इसको आगे कुछ करेंगे या ऐसा ही तक उधर ही तक रहेगा. ये जो मोरेटोरियम की बात थी, हाँ मोरेटोरियम की बात आई डोंट नो बिकॉज आपकी जानकारी भी शायद वही है जो मेरी जानकारी है कि इसका कोई उल्लेख तो पैकेज में नहीं था मॉनिटरिंग नहीं था. राइट, सो परहैप्स यू एंड वी विल हैव टू टेक अप विद द गवर्नमेंट सेपरेटली. आप हमको एक लिख दीजिए और आप डायरेक्टली भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखिए. लेट अस सी व्हाट स्टैंडर्ड इज. क्योंकि लोगों को मतलब एसएमई सेक्टर को बहुत अभी वेरी मच टेंस बिकॉज 31 मई को जब शुरू हो जाएगा तो 1 जून को 31 को मई को ही पहला इंटरेस्ट और ये हो जाएगा. तो आई विल राइट टू यू सर. सो आई इनवाइट मेरे मनोज मित्तल जी टू शेयर योर थॉट्स. मनोज जी इन ब्रीफ. आदरणीय सेक्रेटरी महोदय एंड डीसी महोदय, मैं 4 बिंदु सर आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक DFI से भी रिप्रेजेंट करता हूँ तो फाइनेंस के ही हैं. 3 लाख करोड़ लो हैंगिंग फ्रूट, बैंकर्स मेंटली प्रिपेयर्ड है. जैसे ही गाइडलाइन आती है आई थिंक पूरा उसके फुल फोर्स के साथ में बैंकर्स लगेंगे ऐसा हमारा है. 2 जो कदम है साहब इस स्टिमुलस पैकेज में जो 20,000 करोड़ का सब डेट वाला पैकेज है, हमारी ओपिनियन में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि ये केवल MSMEs की जो लॉक्ड कैपेसिटी उसको ही नहीं खोलेगा, ये बैंकर्स की स्ट्रेस को भी कम करेगा. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. आपने सर अभी बताया कि गाइडलाइंस जैसे ही आती है तो बैंकर्स में इसमें थोड़ा सा और शायद उन लोगों को जानकारी थोड़ी देनी पड़ेगी. तो ये वाला सर गेम चेंजर मुझे लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बैंकिंग में से भी 1 लाख करोड़ की ये स्ट्रेस कम कर सकता है ये वाला. फंड ऑफ फंड में सर मेरा सुझाव है, बाकी गाइडलाइंस सर आप ला रहे हैं अवश्य जो भी है, इसमें एसोसिएशंस को काम करना पड़ेगा क्योंकि MSMEs इस फंड के लिए रेडी हैं क्या, क्योंकि ये सामान्य MSMEs नहीं होंगी. कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स होंगे, एक सोच होगी जहां पर कि मैं इक्विटी थोड़ा दे सकूं किसी बाहर वाले फंड को, कहीं थोड़ा कंट्रोल देना पड़ेगा. तो वो MSME की एक बड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पर. तो 50,000 करोड़ इट्स अ वंडरफुल अमाउंट. तो कहीं ना कहीं MSME एसोसिएशन को इस क्षेत्र पे काम करना पड़ेगा कि SMEs को इस इक्विटी के लिए रेडी करें, थोड़ा उनको मेंटली इस बात के लिए तैयार करें और जब तक ये फंड आता है, जब तक चलता है तब तक SMEs प्रोएक्टिवली इस पर काम करती चलें. तो ये मेरा सब सुझाव साहब. इसी पूरे उसमें जो वित्त की बात हो रही है, इतना पैकेज की बात हो रही है, एक चीज और हमको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि कॉस्ट कटिंग. और कॉस्ट कटिंग के लिए जो SMEs के क्लस्टर्स के जो कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ एग्रीगेशन है, शायद ये मौका है सही समय पर उसको इस्तेमाल करने का, रिसोर्सेज शेयर करने का. और रिसोर्सेज में जो क्लस्टरिंग करके रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं प्रॉब्ली सर आपके आपके इसमें लीडरशिप में, इस वाली फोर्स को एनर्जी एफिशिएंसी में जा सकते हैं या प्रोडक्टिविटी में या इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. शेयर्ड CFO, पैसा कैसे बचाया जाए, CFO शेयर्ड किए जा सकते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आज की तारीख में. तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा शेयर्ड रिसोर्सेज के थोड़ा और ज्यादा लाए जाए MSMEs के बीच में, ऐसा एक मैं सुझाव देना चाहता हूँ. और चौथा सर, आपने बात करी अभी मेडिकल इक्विपमेंट की, इन सब में एक रेडी मार्केट है. तो सर खाली सूचना देना चाहता हूँ कि हमने 2 महीने पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था सेफ,
और किसे केवल इसी एक्टिविटी के लिए 5% ब्याज पे 48 घंटे में लोन, 275 लोन हमने दिए हैं सर इस चीज में। हाउ आर दोस यूनिट्स परफॉर्मिंग सर? ये एग्जिस्टिंग यूनिट थी जो सब निकली कि हम सैनिटाइजर में जा रहे हैं, मास्क में जा रहे हैं। कैन यू गिव मी सम डिटेल लेटर ऑन, यस नाउ नॉट ऑनलाइन जी, कि उसमें फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्पेसिफिक क्वेरी व्हिच हैज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियली सर, कि आपकी कुछ एसएमई जो है वो पाइप सैनिटाइजर की जो पाइप होती है बॉटल की वो बना सकती है क्या? और उसमें देवर आस्किंग कि उसकी मोल्डिंग मशीन जो है वो तो 30-35 लाख से ज्यादा की कीमत की नहीं आती है, तो उसमें हम सब मिल करके 8-10-20-25 एसएमई को क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं वो बनाने के लिए? आप भी जरा इस काम में लगे। पॉइंट टेकन सर, यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा बहुत सारे कंपनीज को, हमें भी बताइए कि हमें हम क्या कर सकते हैं सर। सर थोड़ा सा मैं एक मिनट, मित्तल जी, शर्मा साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्लास्टिक है, क्यों ना हम थोड़ा सोच ले, क्योंकि प्लास्टिक बैनिंग बैन तो किया वन सिंगल यूज प्लास्टिक तो कुछ पैमाने पे अगर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा बढ़ावा देने के हिसाब से जी, वो तो जो बैन है वो तो सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन, कहीं हमें प्लास्टिक मोल्डिंग पे बैन नहीं है, कहीं पाइप बनाने कुछ ऐसे पैमाने पर, बॉटल बनाने में कहीं बैन नहीं है, नहीं है। तो हमें स्पेसिफिक बातें जरा देखनी होगी। ठीक है मित्तल जी, आपका लास्ट पॉइंट। मेरा हो गया सर, हम सरकार के ही अंग हैं, तो इस प्रकार में जहां कहीं भी सर्विस तरफ से सहयोग है सर, हम उपलब्ध हैं आप। तो मिस्टर मित्तल, kindly work on this and please get back to us. सर मित्तल साहब ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे एसएमई सेक्टर में गुड गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स की बहुत कमियां होती है। आपको मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, 2008 में जब सेबी के चेयरमैन सीबी भावे बने थे, और उस वक्त हमें एसएमई स्टॉक एक्सचेंज का कोई सुनने को तैयार नहीं था। दामोदर थे, उन्होंने तो फाइल फेंक दी थी, उन्होंने कहा नहीं मैं देखूंगा नहीं। मैं भावे साहब के पीछे 3 साल तक लगा रहा, 2011 तक। उन्होंने कहा कि जब तक एसएमई सेक्टर गुड गवर्नेंस या बिजनेस एथिक्स नहीं लेते, मैंने कहा ये पॉइंट डाल दीजिए उसमें, क्लॉज 49 उनको डाले। मैंने खुद एसएमई स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएटिव करने का मेरा सहयोग है, मेरा एडवोकेसी है, तो इसीलिए हमने डाला है कि हमारे एसएमई सेक्टर में बिजनेस एथिक्स एंड गुड गवर्नेंस का इसका मिलाप होना चाहिए, देन दे कैन एनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर वर्धन टू शेयर इन फ्यू मिनट फ्यू सेकेंड्स क्विक। वर्धन जी, मिस्टर वर्धन, महेश में अजय जी आप आइए, गुड इवनिंग। तो वी आर लुकिंग कि एफडीआई देश के लिए बहुत अनिवार्य है। आवर कंसर्न इज दैट एफडीआई व्हेन इट कम्स विद अ लॉट ऑफ फंड्स, एंड दोस फंड्स दे कट एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देयर शुड बी सम कैपिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दे गेट, एंड रेस्ट ऑफ इट इज टेकन फ्रॉम बैंक्स इन इंडिया, सो दैट देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर अस। सेकेंडली, we are talking about that we need to export, or what is the condition that is there, we need to modernize all MSME plants everywhere. For that, and as well as aaj ki date mein with social distancing wo kab tak rahega malum nahi, so we need to modernize the plants. Can you take a recommendation from us that 75% of the money can be subsidized for expansion in this field? So the limit of 5 crore rupees also, because now we are not talking of something which is small. We have to talk of something bigger things. It will help us in exports. It will help us in everything. Certainly, modernization is a requirement, and we can sit down and discuss as to where from the funds can come. Technological upgradation. There has been a scheme also with us where we used to perhaps help the units in modernizing and upgrading. Yes, I will look into those details, and I will see what can be done. Sir, earlier limits of organization were small. Now we want bigger limits, sir. I know. I understood your point. I understood for your point. We will see what best can be done. Now on the FDI issue, I don't know what is in your mind. But see, when my own thinking is that what you said can be looked into. But my own thinking is that when a big unit comes up, it gives birth to a number of SME units. Yes. I have seen with my own eyes in Gujarat and many other places, when one big unit comes, a whole village, a whole township of smaller ancillaries and smaller units
comes up. So there is absolutely no dichotomy in a big unit or a small unit or a FDI unit or a local unit. So let us not get into that. Point is that you should get money at cheaper rates. Yes, sir. Okay. With FDI or without FDI? Right, sir. So we will definitely work in that. But in sir. Fact, I would say that when one big unit with FDI will come, it will give birth to 100 other NCD locally. Sir, one small point. When the FDI units come, then what they also bring in today, especially from China, is they want to get their own supplier to back them up. Well, that is a different thing. That's a different thing. But still, you get opportunities. Absolutely. Thank you, sir. Sir, last term, Mr. Vinay Kumar ji. In short, Vinay Kumar ji, please come in. Vinay Kumar ji, Singha. Hello. हाँ जी बोलिए सर नमस्कार सर जी नमस्कार कैसे हैं आप बहुत बढ़िया है विनय कुमार जी आप सर मैं पिछली सरकार में शुक्ला जी के साथ जब काम को देख रहा था बैंकिंग का तो मैंने ये देखा कि बैंकों में अपॉइंट तो किया जाता है एसएमई के नाम पे एम्प्लॉई बट उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता है और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा और था चूंकि आप मऊ काम करते हैं यूपी के ही तो सर थोड़ा नॉर्थ की तरफ भी ध्यान दीजिए ना सर नॉर्थ में बहुत ज्यादा जरूरत है मैंने डेफिनेटली नॉर्थ में बहुत ज्यादा जरूरत है लेबर फोर्स वहां से बहुत दूर दूर तक जाता है काम करने आई एग्री नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया नॉर्दर्न इंडिया में बहुत काम की जरूरत है ये बात इनफैक्ट हमारा मेजर फोकस जो अभी का रहेगा रहना चाहिए मेरे ख्याल से वो ये है कि फार्म खेती के ऊपर से हम डिपेंडेंस कैसे थोड़ा कम करें अभी क्या हो गया है कि खेती के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज देयर हैज बीन नो अदर एक्टिविटी तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा उसके बिना कोई उपाय नहीं दूसरा सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था पहले भी एक रिप्रेजेंटेशन होता था एमएसएमई से बैंक के बीच में तो ऐसा कुछ फिर से बन सकता क्या कोई कमिटी टाइप या इस टाइप का कोई भी क्या था पहले पुराना क्या था स्ट्रक्चर वो आप हमको भेजिए वी विल डेफिनेटली वी कैन रिवाइव इट मतलब एक टीम टाइप का बनाया जाता था जो कि कोऑर्डिनेशन का काम देखता था सर ओके वी कैन वर्क और चूंकि मैं दिल्ली रहता हूँ तो मैं आपसे आके मिलूंगा आप आके मिलिए हमको पुराना जो भी फॉर्मेट होगा करके बताइएगा एंड लेट अस लुक इनटू दैट इन एनी केस आज की स्थिति में कोऑर्डिनेशन इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट सरकार के बीच एसोसिएशन के बीच हमारी जो सरकार की अलग 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 शाखाएं हैं जैसे कि डीएफएस है बैंकिंग है या और भी मिनिस्ट्रीज है उनके साथ हम जब जितना हम कोऑर्डिनेट जैसे सालुंके जी ने शुरू में ये बात कही कि हम जितना नजदीक industry. And one thing which struck me during this COVID period, that, you know, many industries were totally closed and there was no production. But agriculture was one thing which was totally open, you know. The farm sector and agro-processing and agriculture-related all the activities were totally open. It was not affected by the lockdown. So therefore, I see lot of opportunity in agri-based industries in processing and value addition and also servicing.
Servicing means the like, you know, e-commerce activities where in the lockdown situation, consumers are not able to get fresh vegetables, fresh fruits. उस तरह की activity में भी हमारे SMEs के लोग आ सकते हैं. It will create many job opportunities. So, just I have, more than this, I have noted the points raised by you people, and we will work together. Thank you. सर आपको मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से एक फॉर्मूला बनाया जाए SME एक्सपोर्ट करने के हिसाब से SME प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्विसेज भी बहुत अच्छी हो रही है और प्रोडक्ट भी अच्छा है. तो मेरी राय है और मेरी रिक्वेस्ट भी है शर्मा साहब सर आपसे कि कैन वी वर्क ऑन दी प्रमोशन. 3 महीने हमारे पास है, 2-3 महीने अभी है, 2-3 महीनों में एक बढ़िया प्लान करके गल्फ कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, यूरोपियन हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं. मैंने 2009 में एक SME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेटअप किया है, उसके माध्यम से हम बहुत सारे एजुकेशन भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, रेगुलर गाइडेंस भी दे रहे हैं. तो इस SME चेंबर और SME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपका सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ. आपने जो मुझे बहुत कीमती वक्त देकर आज एक कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि बैंक आपका कॉन्फिडेंस हमने जितना बढ़ाया, मैं चाहूंगा कि आपसे भी ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस स्वयं बढ़ाइए. और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम SME को बहुत 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 ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट टू सर. थैंक यू सिंह साहब. थैंक यू मैडम अरोरा जी. थैंक यू. थैंक यू ऑल द डेलीगेट पार्टिसिपेंट. थैंक यू. Let's be in touch.